नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। आज को मैं एक नया टेक्निक के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये बहुत पॉपुलर है मार्केट में, बहुत बंदा इसको यूज़ करता है और पसंद भी करता है क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से ये काम करता है। ओके, इसमें ज़्यादा आपको देखने का या झंझट करने का कोई ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल लॉजिक से काम करता है और बहुत एक्यूरेट भी काम करता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें बेसिकली आपको देखिए इस चार्ट का ऊपर दिखाई देगा, तो मैं बिगिनिंग से आपको बता रहा हूँ। ये जो ग्रीन कलर का एरो है ये आपका यहाँ पर बाय का कॉल है। जब भी कोई बाय का कॉल बनेगा इसमें देखिए मिडिल में आपको दो ग्रीन कलर का लाइन दिखाई दे रहा है, तो जिस टाइम में कॉल बन रहा है उसी टाइम ये दोनों लाइन का क्रॉसओवर होना चाहिए। यही इस इंडिकेटर का इंपॉर्टेंस है, या फिर आप इसको कंडीशन भी बोल सकते हैं। जो जैसे भी बाय का कॉल बना जिस मोमेंट में मिडिल का लाइन को देखना है जो क्रॉस होके ये ग्रीन हो गया कि नहीं, तो ये दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉल। आपको इस कॉल में अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। देखिए अल्टीमेट उठ रहा है और यहाँ पर आके देखिए आपको मिडिल का दोनों लाइन क्रॉस ओवर होके ये पिंक हो जा रहा है। इसका मतलब है ये जो बाय का कॉल चल रहा था यहाँ पर आपका एग्जिट करने के लिए बोल रहा है। तो वेरी सिंपल लॉजिक, जैसे ही कॉल बनेगा मिडिल का दोनों लाइन को फॉलो करते हुए चलिए। जैसे यहाँ पर दोनों लाइन आपस में क्रॉस होता है और ये पिंक हो जा रहा है, इसका मतलब आपका बाइंग पोजीशन ख़त्म हो गया। अब आपको सेलिंग के लिए वेट करना है। थोड़ा देर बाद देखिए आपको फिर से यहाँ पर सेल का कॉल दिखाई दिया। अब यहाँ पर एंट्री लीजिएगा, इसमें भी सेम कंडीशन होगा। मिडिल का दोनों लाइन देखिए पिंक है, मतलब आपका डाउन ट्रेंड है। अब इसको फॉलो करते हुए जाइए। यहाँ पर आके देखिए आपका मिडिल का दोनों लाइन फिर से क्रॉस ओवर होकर ग्रीन हो गया, मतलब ये आपका सेलिंग का एग्जिट पॉइंट आप कहेंगे, मतलब यहाँ पर मुझे सेलिंग से निकल जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ग्रीन हुआ था मगर कुछ कॉल नहीं बना। फिर आपको यहाँ पर मिडिल में एक बार पिंक हुआ, यहाँ पर भी कोई कॉल नहीं बना। फिर यहाँ पर एक कॉल बना बाइंग का और उसी टाइम देखिए फिर से मिडिल का दोनों लाइन क्रॉस ओवर होकर ग्रीन हो गया। तो आप यहाँ पर फिर से एंट्री लेंगे, यहाँ पर आपको फिर टारगेट देखिए अचीव हो गया, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट, जो तीन टारगेट है। तो ये जो लॉजिक है इसे बहुत बंदा पसंद करता है, ये लॉजिक भी हम लोग के पास है। ये बहुत सिंपल तरीके से काम करते हैं, इसमें ज़्यादा कंडीशन या ज़्यादा कुछ देखने का ज़रूरत नहीं होता। सिंपल सिग्नल बनेगा और मिडिल का ये दोनों लाइन का क्रॉसओवर को आपको यहाँ पर फॉलो करना है, दैट्स इट। फर्स्ट बाय का कॉल, मिडिल का दोनों लाइन फॉलो करते हुए चलना है। जैसे मिडिल का दोनों लाइन आपस में क्रॉसओवर हो गया और इसका कलर हो गया पिंक, मतलब मुझे निकल जाना है पोजीशन से। फिर सेल का कॉल बनेगा, सेल का कॉल में सेम चीज़ आपको देखना है जो कब नीचे गिर रहा है और कहाँ पर आपका क्रॉसओवर हो रहा है। यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ मतलब यहाँ पर मुझे पोजीशन निकाल लेना है बाइंग के, सेलिंग का। उसके बाद फिर मुझे वेट करना है एक फ्रेश बाय का कॉल के लिए जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दैट इज़ ए वेरी सिंपल लॉजिक। ये लॉजिक काफ़ी पुराना है मगर अभी भी बहुत क्लाइंट हम लोग देखते हैं इसको पसंद करता है, यूज़ करता है, तो ये भी हम लोग के पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम लोग के पास बहुत तरह अच्छा अच्छा टेक्निक है जो आपको पसंद आएगा या फिर आपका काम के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है हम लोग का वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऑब्वियसली सब्सक्राइब बटन में प्रेस कीजिए, क्योंकि हम लोग इसका बाद ऐसा कुछ लाइव कॉल्स हम लोग के लिए लाने वाले हैं जो आपका लाइव ट्रेड में हेल्प करेगा। तो अभी मैं उसका बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, धीरे धीरे मेरा जितना भी वीडियो अपलोड होते रहेगा मैं उस पर डिस्क्लोज करते रहूँगा। आप लोग का रियल टाइम प्रॉफिट मार्केट में कैसे निकलेगा उसका रिलेटेड मैं और भी कुछ ज़्यादा जानकारी आप लोग को देने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों।